Hello everyone, this is Chiranjeevi Ahire here from NHT Global's Marketing and Member Relations team. I thank you all for joining for this wonderful webinar this morning. Today's webinar is going to be very interesting as we have invited our very own Ms. Helen Shaga, CIS Market, Russia and Kazakhstan, Sales Development and Product Manager. She is going to share her knowledge with us and introduce two of our extremely wonderful products to everyone. We are happy to have you here today, Helen. During her presentation, our office and distribution manager, Chetan Sukhadia, will be translating her in Hindi. Over to you, Helen. Hello, everyone. And thank you very much, CJ, and every honorable guest for a warm welcome. And thank you for finding time to be present in this webinar. धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए मेरा परिचय देने के लिए धन्यवाद सीजे और आप सबको मेरा नमस्ते It's Helen Shaga here. Many of you already know me and I'm reaching you from my hometown in the far east in Russia, very very close to China. जी हाँ वैसे आप में से काफी लोग हैं जो मुझे जानते हैं बट जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं मेरे होम टाउन यानी कि मेरे देश रशिया से बोल रही हूँ हालांकि मैं हूँ रशिया में लेकिन चाइना से काफी करीब है मेरा जो गांव है Today I would like to talk to you about health and wellness, about food, food supplements, and also some wonderful products by NHT Global. जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ कुछ एनएचटी के उत्पादों के बारे में बात करने के लिए कुछ त्वचा के प्रोडक्ट्स रहेंगे कुछ खाद्य पदार्थ है फूड सप्लीमेंट्स एसेंशियली जो हमारी कंपनी के काफी सारे उत्पादों में से एक है उनके बारे में आज बात करेंगे हम NHT Global or National Health Trends Global's mission is to create a wellness tradition all around the globe and to improve the quality of lives of people all around the world by offering a wide range of wellness and beauty products. दोस्तों आप में से काफी लोग जानते हैं पर मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि NHT Global यानी कि Natural Health Trend Corporation का मिशन स्टेटमेंट ये रहा है कि क्रिएटिंग वेलनेस अ ट्रेडिशन माने कि अच्छी सेहत को एक परंपरा सी बना देने का हमारा मिशन है और उन फिर सारे प्रोडक्ट्स हैं इस चीज को इसी परंपरा के भीतर जो हम आपके सामने आज उसके बारे में बात करेंगे कुछ त्वचा के प्रोडक्ट है कुछ फूड सप्लीमेंट्स है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे Well, I also need to mention that product quality is very important to us. दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि उत्पादों की जो गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों सो जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता के पर विश्वास हम तभी कर सकते हैं जब कुछ उसके सर्टिफिकेशंस उस प्रोडक्ट के साथ में जुड़े हुए हो आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इनमें से अधिकतर सर्टिफिकेशंस हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में जुड़े हुए हैं जैसे कि सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से कॉम्प्लायंट है कुछ प्रोडक्ट्स को यूएसडीए ऑर्गेनिक प्रमाणित है कुछ क्वालिटी अश्योरेंस इंटरनेशनल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के नाम से सर्टिफाइड है और इकोसर्ट और कुछ नोबेल प्राइज विनिंग प्रोडक्ट्स भी है अच्छा लेटेस्ट में हमारे अधिकतर प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन भी अब मुहैया हो गया है Currently, in the global scale, six different lines of products, which are beauty, wellness, lifestyle, herbal, home, and baby. Yeah, इसका अनुवादन मैं नहीं करते हुए आपको आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारी प्रोडक्ट लाइंस NHT Global के भीतर मौजूद है ब्यूटी वेलनेस लाइफस्टाइल हर्बल होम एंड बेबी Currently,
3 of these product lines already introduced to India market. जी हाँ, इनमें से 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं स्किंडलजेंस है और एल्यूरा है, और उसके बाद में वेलनेस के प्रोडक्ट्स भी है. थैंक यू. एंड फर्स्ट ऑफ देम इज द ब्यूटाइन व्हिच ऑफर्स प्रोडक्ट्स टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाय स्किंडलजेंस. जी हाँ, स्किंडलजेंस देश में मौजूद है. ये हमारे ब्यूटी यानी कि त्वचा के जो प्रोडक्ट्स है उसमें उस पोर्टफोलियो का एक प्रोडक्ट है जो यहाँ पर इंडिया में अभी फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटेड है. दोस्तों, स्किंडलजेंस की खूबियों के बारे में आप सब जानते हैं. ये एक 3-स्टेप फेस लिफ्ट सिस्टम है जिसे हम नॉन सर्जिकल कहते हैं. कोई इन्वेजिव टेक्निक नहीं है ये. टॉपिकल यानी कि स्किन पर एप्लीकेशन लगाने से एक ही एप्लीकेशन में इसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है. झुर्रियों का कम होना, स्किन ग्लो होना, ये सारे चीजें स्किंडलजेंस से आप पा सकते हैं. Product line which is already introduced to India market is Lifestyle and is represented by Allura Lux, the very first product of NHT Global. दोस्तों, Allura भी भारत में मौजूद है और Allura भी एक मल्टीपर्पस जेल है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. हम आपको अलग से कवर करेंगे. आपके पास फास्ट फैक्ट लीफलेट्स भी इसकी मौजूद है. This product is based on the Nobel Prize winning research and has been sold around the globe for more than 19 years in more than 45 countries and it has changed the life of numerous members. दोस्तों, Allura Lux एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च पर निर्धारित है. ये प्रोडक्ट 19 देशों में 19 साल से हमारे NHT ग्लोबल में के साथ है. 45 देशों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और Allura Lux ने बहुत सारे हमारे मेंबर्स की लाइफ बदल दी है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं. And next is wellness line. Is represented in India market by such product as premium noni juice, omega 3 essential fatty acids, good for our heart and brain and vision, and glucosamine 2020 that helps us to protect our joints and improve the mobility. दोस्तों, आपके सामने अभी फिलहाल जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं. इनमें से काफी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि नोनी जूस है, ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर मौजूद है, फाइबर रिच डाइजेशन के लिए जो पाउडर है वो है, एसेंशियल प्रोबायोटिक्स यानी पाचन के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोबायोटिक्स फॉर्मुलेशन है, स्टेम रेनू जिसे आप जानते हैं अभी देश में मौजूद नहीं है लेकिन एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट, ग्लूकोसामाइन जो कि बोन्स के लिए या हड्डियों के जोड़ों के दर्द वगैरह में काम आने वाला ये वेलनेस प्रोडक्ट है, ओमेगा 3 कैप्सूल जो हम इंडिया में भारत में ला चुके हैं और इसके भी फायदे आप जानते हैं. ये सारे ही प्रोडक्ट हमारे वेलनेस पोर्टफोलियो का भाग है. Wellness line products are basically, you can call them functional foods. Functional foods that are designed to support our health and our wellness, to help us feel better, to help to improve our immune function, battle the stress, and just help us keep the youthful state for as long as possible. दोस्तों, वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसे हम फंक्शनल फूड भी कहते हैं. भारत में भी जब हम इसे लाते हैं तो फसाई जो हमारे यहाँ का कानून है वो इस पर लागू होता है और वो इसे एक स्पेशलिटी फूड या नोवेल फूड की कैटेगरी में इसे रखते हैं. उसका रीजन ये है कि ये कहने को ये खाद्य पदार्थ है और इसका बिल्कुल भी एक फोकस्ड पर्पस है. ये अपने शरीर के किसी एक फंक्शन के ऊपर स्पेसिफिक तरीके से
काम करता है, इसे इसीलिए इसे फंक्शनल फूड या स्पेशलिटी फूड भी कहते हैं भारत में. Okay, and we already got Omega, we already got Noni, we already got Glucosamine in India, and today, two more brand entry into the India market, and these two more products are Triotin and Enhanced Social Probiotics. दोस्तों, नवंबर के महीने में हमने Noni, Glucosamine और Omega भारत के मार्केट के लिए लॉन्च किया था. ये तीन प्रोडक्ट्स आपके लिए मौजूद है, बट आज जिस रीजन से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो ये है कि हम आज दो नए प्रोडक्ट्स आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रोडक्ट है ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर और दूसरा है एसेंशियल एनहेंस्ड एसेंशियल प्रोबायोटिक्स. ये दो प्रोडक्ट आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और आज के बाद ये भारत के मार्केट में अवेलेबल होंगे. This is very exciting. These are great news. So let's take a closer look at these two products. दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी चर्चा है, बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए कि ये दो प्रोडक्ट्स भारत में आ रहे हैं. और ये दो प्रोडक्ट्स की खास बात ये है कि ये इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी हमारी मदद करता है. सो इसके बारे में और जानेंगे आगे. Okay, let's start. And the first thing I would like to say is influenced such as pollution, toxins, aging. So let's just take a look at these products in a bit more detail, and we're going to start with Triotin. दोस्तों, ये ट्रायोटीन के साथ हम शुरुआत करेंगे बात करने की. हेलेन, मे आई रिक्वेस्ट यू टू टेक जस्ट टॉक अबाउट द प्रीवियस स्लाइड जस्ट वंस अगेन. आई थिंक बिकॉज ऑफ इंटरप्शन वी लॉस्ट यू इन द लास्ट स्लाइड. द प्रीवियस, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर इफ यू ट्रांसलेटेड दैट. आई वाज जस्ट सेइंग दैट टू वेरी पावरफुल प्रोडक्ट्स आर मेकिंग द एंट्री टू इंडिया मार्केट. And they are Triotin and Enhanced Essential Probiotics. And I'm very excited, and I hope you guys are very excited. Yes, I think this is conveyed. Let's proceed, Helen. Good, thanks. Sure. And the first product we're going to talk about is Triotin. दोस्तों, पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज वो है Triotin. And it's probably not a secret to anybody that today in this modern world, in the modern life, our body is constantly influenced by various stress factors such as pollution, toxins, aging, pressure at work, and various life habits. दोस्तों, इस बारे में कोई आपको ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हमारा शरीर काफी सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें से कुछ है स्ट्रेस, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, जो वर्कलोड है हमारे ऊपर, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है, जो हम खाना खाते हैं, ये सारी चीजों का हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर काफी असर है. And so in order to protect our body and protect ourselves from all these negative factors and all this pollution and toxins and bacteria, our body has the some sort of a firewall, which is our immunity. जी हाँ दोस्तों, तो ये जो सारे नकारात्मक चीजें जो मैंने बताई, स्ट्रेस कहो, बैक्टीरिया कहो, इन्फेक्शन कहो, टॉक्सिक चीजें, हैवी मेटल्स वगैरह वगैरह, जो भी हमारे शरीर पर एक नेगेटिव इफेक्ट यानी कि नकारात्मक इफेक्ट रखते हैं, उससे फाइट करने के लिए हमारी शरीर में एक फायरवॉल यानी कि एक लड़ाकू चीज मौजूद है जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यूनिटी कहते हैं. Correct. Our immunity works just like a firewall, and in order to protect ourselves from the harmful free radicals, toxins, and etc., our body is also able to produce very powerful antioxidants to fight against them. दोस्तों, इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति एक फायरवॉल यानी कि एक हमारी
लड़ाऊ सेना की तरह काम करती है. जो भी बाहर से बाहर के उपद्रव जो हम हमारे शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, जैसे कि टॉक्सिन्स या हैवी मेटल्स या बैक्टीरिया, इन सब से लड़ने के लिए एक फायरवॉल की तरह काम करता है. और इसके रहते हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे चीजें उत्पन्न होती है जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे बदन में मौजूद है जो ये सारे संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं. एंड वन ऑफ दिस नेचुरली अकरिंग इन वन ऑफ दिस नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट इज कॉल्ड GSH और ग्लूटाथायोन. This glutathione that is produced inside our body helps our cells to fight toxins and free radicals, and also it helps our body to detoxify substances, and also it helps to promote intracellular protection. दोस्तों, सो जैसे मैंने बहुत सारे कहे कि अलग अलग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बदन में उत्पन्न होते हैं, इनमें से एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन या GSH भी कहते हैं. ये नेचुरली अकरिंग है, यानी अपने शरीर में अपने सेल्स में ये उत्पन्न होता है, जो टॉक्सिन और फ्री रेडिकल ये दो चीजों से हमें मुक्त करता है, सेल को मुक्त करता है ग्लूटाथायोन, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं. और इंट्रासेल्युलर प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे जो शरीर के जो छोटे सेल्स हैं इसे प्रोटेक्ट, यानी कि इसे संरक्षण करने में इसकी मदद करता है. यस, प्लीज गो अहेड. श्योर. सो आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस ग्लूटाथायोन, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एजिंग, बैड हैबिट्स, इन्फ्लेमेशन प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, स्ट्रेस, प्रेशर, द लेवल्स ऑफ ग्लूटाथायोन डिक्रीज इन आवर बॉडी. वैसे जैसे मैंने कहा कि ग्लूटाथायोन हमारे शरीर में अपने आप भी उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे 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 सिचुएशन में, एनवायरमेंट में हम अभी रह रहे हैं, जिसमें जैसे शरीर एज हो रहा है, यानी कि बुढ़ापा आ रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी सूजन हो रही है इंटरनल, इसके अलावा स्ट्रेस है यानी कि मानसिक तनाव है, और इसके साथ में हमारी जो लाइफस्टाइल चॉइस है, यानी कि जो हमारे दिन प्रतिदिन हमारी जो जीने के तरीके हैं, ये सारी चीजों की वजह से ग्लूटाथायोन का उत्पादन शरीर में काफी कम हो जाता है, और वो इतनी अधिकतर मात्रा में नहीं बन पाता है कि अपने बॉडी का जो डिमांड है उसे पूरा कर सके. So in order to replenish these levels of glutathione, of this powerful antioxidant, we, NHT Global, have developed a product which is called Triatine. And this product is packed with beneficial amino acids and vitamins that are needed to stimulate the body's natural production of intracellular glutathione. Yeah. So इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को मद्देनजर रखते हुए NHT Global ने ये प्रोडक्ट का इजाद किया है, ट्रायोटीन डेवलप किया है आपके सामने. ये ट्रायोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड और विटामिन इस हमारे शरीर के जो ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन की कमी है इसे पूरी करता है, ग्लूटाथायोन के बनने में बदन की मदद करता है. Okay, so now let's take a look at this product. Let's take a look at the active ingredients of this product and walk through them one by one to understand how do they work. Yeah, अब हम आगे बढ़ते हुए ट्रायोटीन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे और ये इंग्रेडिएंट्स हमें किस तरह से काम आते हैं वो हम देखेंगे एक के बाद एक. And I would like to start with the ingredient which is called instantized whey. Powder, instantized whey protein isolate. Yeah, सबसे पहले सबसे main product की मैं बात करूंगी जिसका नाम है instantized whey protein. आपने सभी लोगों ने whey protein का नाम सुना होगा, but of course हमारा किस तरह से अलग है हम इसके बारे में बात करेंगे आगे. Okay, so let's take a look at it and first, I would like you to know that each scoop of triatine contains 9 grams of non-GMO
protein, which is designed to be easily digested and easily absorbed by the body. Yeah, दोस्तों हमारा जो वे प्रोटीन है उसका ट्रायोटीन के एक स्कूप यानी कि एक चम्मच वे प्रोटीन में 9 ग्राम साफ और नॉन जीएमओ प्रोटीन मौजूद है जो आपके पाचन और शरीर में अब्सॉर्प्शन यानी शरीर के भीतर वो अब्सॉर्ब हो जाने के लिए सफिशिएंट है. And you may be wondering, where is this good protein, where is this good whey protein coming from? And it's coming from fresh milk. दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये whey protein हम कहां से ला रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, तो आप खुश होंगे कि हम फ्रेश मिल्क में से ये एक्सट्रैक्ट करके ट्रायोटीन में ला रहे हैं यानी कि दूध से. And an advanced technology of filtration helps us to eliminate the lactose from this instantized whey protein and also helps us to decrease the amount of fats and carbohydrates in this instantized whey. जी, एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के भीतर हम इसे हम छानते हैं यानी फिल्टर करते हैं. इस छानने की प्रक्रिया में हम लैक्टोस, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिकतर रूप से कम कर देते हैं ताकि वे प्रोटीन प्योर प्रोटीन के ही फॉर्म में आपके अंदर जाए, ना कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ में ले आए. And also it's very important to mention that this protein coming from milk is soy free, antibiotic free and hormone free, so it's very safe for you to use. जी हाँ, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स निकालने के साथ साथ हम एमिनो एसिड उसके अंदर रिटेन करते हैं और इसी के साथ हम हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से निश्चित करते हैं कि ये प्रोडक्ट सोय फ्री हो यानी कि उसमें सोय ना हो, एंटीबायोटिक फ्री हो यानी किसी किस्म के एंटीबायोटिक उसके अंदर मौजूद नहीं हो और हार्मोन फ्री भी हो. ये सारी चीजें दूध में मौजूद होती है लेकिन हमारे प्रोडक्शन टेक्निक के तहत हम इसे फिल्टर आउट कर देते हैं. And what is very important that this instantized whey also contains naturally occurring amino acids. So inside every scoop of triotine, we have these three very important amino acids that give the foundation of glutathione formation inside our body. दोस्तों हमारे वे प्रोटीन के अंदर ये तीन अमीनो एसिड मौजूद है जो नेचुरली अकरिंग भी है. ये तीन प्रोडक्ट है एल ग्लूटामाइन, एल सिस्टीन और एल ग्लाइसिन. ये तीन अमीनो एसिड हमारे ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर में मौजूद है. And this brings us to the next ingredient of triotine, which is called L-glutamine. Yeah. इसी के साथ हम अगले इंग्रेडिएंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है L-glutamine. So let's talk about L-glutamine first. Yeah, हम L-glutamine के बारे में बात करेंगे यहाँ से आगे. Well, L-glutamine is the most abundant free amino acid inside our body. दोस्तों L-glutamine एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में फ्रीली यानी बहुत मात्रा में अवेलेबल है. And what it does is that it promotes gut and liver health, it supports our gut function, it supports our immune system and other essential processes inside the body. दोस्तों L-glutamine की मेन काम या सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि वो हमारे गट यानी कि पेट के अंदर के फंक्शंस को मेंटेन करता है, साथ ही वो इम्यून सिस्टम ब्रेन फंक्शन पर भी काम करता है. Really, it's also needed to produce some very important chemicals inside of our body. L-glutamine हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट केमिकल्स की रचना करता है, प्रोड्यूस करता है. For example, to produce other amino acids or to produce glucose in our body, we need L-glutamine. Yeah, L-glutamine की हमें जरूरत सिर्फ अमीनो एसिड ही नहीं, हमारे बदन में ग्लूकोज यानी कि शुगर जिसे हम एनर्जी मिलती है उसके प्रोडक्शन में भी ग्लूटामाइन मदद करता है. And as I already mentioned, glutamine is very, very important for our intestine, for our gut health, because
the research have found that tissues found in our intestine use L-glutamine as a fuel source to function at its best. Okay. So, दोस्तों ये रिसर्च से पता लगा है कि एल ग्लूटामाइन एक ईंधन के रूप में काम करता है हमारे पेट और लिवर और आंत यानी कि इंटेस्टाइन के फंक्शन के लिए. सो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट हमारे ट्रायोटीन में इसका प्रपोर्शन रखा है ताकि ये हमारे लिवर फंक्शन हमारे आंतों की प्रक्रियाओं पर भी अच्छे से काम कर सके. So aside from helping our body to produce glutathione, a very powerful oxidant, L-glutamine also has a bunch of other great benefits that I already mentioned. Helps brain function, helps liver, helps our gut, and is also very clean and safe to use. Yeah. So, दोस्तों, L-glutamine के functions जो मैंने आपको बताए, आंत है, liver function के test, ये सारी चीजों में काम आता ही है. इसी के साथ में L-glutathione बनाने की प्रक्रिया में भी ये सहभागी है. And this brings us to the next ingredient of triatine. This is why, by the way, it's called triatine, tri-3, because it has these three very important amino acids that help to produce, that help our body to produce the natural glutathione. Yeah, दोस्तों ये आप अगर गौर करेंगे तो हमारा नाम ट्रायोटीन, ट्राई माने के तीन, इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर हमने तीन अति आवश्यक अमाइनो एसिड्स का की मात्रा हमने रखी है हमारे प्रोडक्ट में, इसीलिए इसका नाम ट्रायोटीन है. And the next ingredient, the second amino acid, is called L-cysteine. Yeah, दूसरे अमाइनो एसिड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है L-cysteine. What does it do? Well, first of all, L-cysteine functions as a very powerful antioxidant, and it also protects helps to protect our tissues from pollution and radiation. दोस्तों L-cysteine एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रेडिएशन यानी कि जो किरणें निकल कर आती है जिस जो हमारे शरीर पर काम करती है नेगेटिव तरीके से उससे लड़ने में मदद करता है ये एंटीऑक्सीडेंट. और पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण की वजह से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स या ये सब आ रहा है इससे लड़ने में L-cysteine हमारी मदद करता है. Also, L-cysteine is present in many proteins that help to form skeletal tissues and skin. So actually here on the slide you can see that it's very beneficial for our skin and skeletal tissues because it's present in many proteins that form skin and skeletal tissues. दोस्तों L-cysteine अपने आप में स्केलेटल यानी कि हमारी जो हड्डियों का ढांचा है और स्किन है इसमें भी नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस की तरह मौजूद है. सो ये L-cysteine हमारे हड्डियों को और त्वचा को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है. सो इसलिए हमने L-cysteine का की मात्रा हमारे ट्रायोटीन में रखी है ज्यादा सो दैट ये हमारी हड्डियों को और इंसुलिन के प्रोडक्शन को और त्वचा को भी तंदुरुस्त रख सके. Right, and aside from being found in skin and skeletal tissues, it also is found in insulin and some other digestive enzymes. And as I said, it's a powerful antioxidant. It helps our body to protect our cells from harmful free radicals. And it also helps us to improve the immune function. Yes, दोस्तों L-cysteine हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि जो मैंने आपको पहले कहा था रोग प्रतिरोधक शक्ति के संचालन में भी काफी मदद करता है. फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन जो बदन में उत्पन्न होते हैं प्रदूषण हार्मफुल किरणें इन सब चीजों की वजह से सो L-cysteine रोग प्रतिरोधक शक्तियां उत्पन्न करने में मदद करता है जो इन चीजों से लड़ने में हमारी मदद करता है. इसके अतिरिक्त स्किन और हमारे हड्डियों की टिश्यूज पर भी L-cysteine मौजूद है और उसका काम वहां पर भी चलता है. And let's speak about the third amino acid in a triatine, which is called L-glycine. तीसरे अमीनो एसिड L-glycine के बारे में हम अभी बात करेंगे. L-glycine is well known for its ability to support brain function and help us get more restful and more deep sleep.
दोस्तों एल ग्लाइसिन का महत्वपूर्ण फंक्शन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है उस अपने मानसिक फंक्शन पे काम करना, यानी कि ब्रेन पे काम करना, जिसे हमको एक अच्छी नींद का अच्छी नींद और रेस्ट का अनुभव हम कर सकते हैं. And we all know that actually sleep and getting good rest is very, very essential for the body. Not only because it's nice and comfortable to lay in a comfortable bed, but also because our body needs this time to recover and to restore during the sleep. So, हाल ही में आप ये बात आपने काफी बार पढ़ी भी होगी कि हमारे शरीर के लिए सोना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें सोना पसंद है या सोने में बहुत ही कंफर्ट है, ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी शरीर जो 12-14 घंटे काम करती है, तो जब ये पर्याप्त नींद लेती है तब वो समय में हमारी बॉडी जो थकी है या जो बाहर की चीजों से लड़ी है, ये चीजों से रिकवर होने में ये नींद लेना अति आवश्यक है. And so aside from supporting our brain functions and aside from helping us sleep better, also L-glycine is very beneficial for liver. And the thing I would like you to know is that L-glycine is the main amino acid in collagen. दिमाग के फंक्शन और बेहतर नींद के चीज के काम के अलावा L-glycine का शरीर में योगदान लिवर के प्रति भी है और लिवर के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर काम करता है. And so, as I said, it's the main amino acid in collagen, and we all know that collagen provides strength to our muscles, skin, cartilage, blood, bones, and it's essential for having a youthful looking skin. So by replenishing L-glycine in our bodies, we help our muscles and tissues and skin to look better and function better. दोस्तों L-glycine जो है हमारे एक मेन अमाइनो एसिड है जो कोलेजन बनाने में मदद करता है. दोस्तों कोलेजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे मसल्स यानी कि मांसपेशियां, स्किन, त्वचा, कार्टिलेज माने जो जोड़ों में मौजूद हमारे जॉइंट्स है, ब्लड, ये सारी चीजों में कोलेजन का बहुत ज्यादा काम होता है. कोलेजन हमारी त्वचा को यंग और बिना झुर्रियों वाली बनाए रखती है. सो ये एल ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है वो कोलेजन के उत्पाद में भी मदद करता है. And I would like you to understand that these three amino acids that I just mentioned, glutamine, cysteine, and glycine, they are like the building blocks to help our body to produce natural GSH, glutathione, inside the body. But aside from being building blocks for glutathione, each of them also has multiple benefits for different areas in our body. दोस्तों जो मैंने शुरुआत में कहा था ग्लूटाथायोन जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो हमारे बदन में प्रोटीन का इंटेक होता है, सो वो ये तीन अमाइनो एसिड ग्लूटाथायोन को बनाने में मदद करता है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि एक एक जैसे ईंट से दीवार बनती है वैसे ये सारे अमाइनो एसिड्स की दीवार से हमारे बदन में प्रोटीन का इंटेक होता है. बट इसके अलावा ये तीन अमाइनो एसिड्स की जो मैंने बात की, प्रोटीन और ग्लूटाथायोन बनाने के अलावा ये अपने आप में आपके गट पर यानी कि पेट में या दिमाग में या लिवर में अलग अलग जगहों पर उनका अपना भी योगदान है. So aside from all this goodness, aside from these three powerful amino acids, we have also added vitamin D to triatine formulation. या दोस्तों सो ट्रायोटीन फॉर्मुलेशन बनाते वक्त हमने इसमें विटामिन D3 का भी थोड़ा सा एडिशन किया है. एंड विटामिन डी इज अ बायो आइडेंटिकल ह्यूमन आई एम सॉरी सो विटामिन D3 दैट वी एडेड टू ट्रायोटीन इज द बायो आइडेंटिकल ह्यूमन फॉर्म ऑफ विटामिन डी व्हिच सम डॉक्टर्स एंड सम रिसर्चर्स इवन कॉल मोर ऑफ अ हार्मोन देन अ विटामिन. जी हाँ, सो दोस्तों
जो विटामिन D3 है ये हमारे बदन में मौजूद होता है. आपने सुना होगा जो विटामिन अवेलेबल होते हैं उसमें से विटामिन डी एक हमारे शरीर में मौजूद जो है वो एक हार्मोन की तरीके से भी है. कुछ डॉक्टर्स उसे एक हार्मोन की तरह भी ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे साइड से बताने वाली बात ये है कि हमने जो विटामिन D3 का इस्तेमाल किया है हमारे ट्रायोटीन के फॉर्मुलेशन में, ये नेचुरली अकरिंग विटामिन डी से काफी मिलता जुलता है. And vitamin D is also called the sunshine vitamin, and our body produces it when it's exposed to sun. But because of the lockdown, I think not many people are able to go outside and get the sun, or many people want their skin to be whiter. That's why they're using sunscreens. And unfortunately, not everyone is getting enough vitamin D. दोस्तों विटामिन डी के बारे में आपने काफी सुना होगा डॉक्टरों से या कहीं पढ़ा भी होगा. विटामिन डी हमारे हमारे हड्डियों को कैल्शियम देने में मदद करता है, हमारे दांतों के लिए अच्छा है और काफी लोगों के लिए स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है. लेकिन हेलेन कह रहे हैं कि जैसे कि लॉकडाउन के चलते हमें से अधिकतर लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमें इतना सनलाइट नहीं मिल रहा है जिसे हमको आमतौर पर जिंदगी में मिलता था. सो विटामिन डी का उत्पादन हमारे बदन में काफी कम हो गया है. सो ऐसे में विटामिन डी का सेवन बाहर से करना अनिवार्य हो सकता है. And so one little scoop of triatine delivers you 100% of your daily recommended value of vitamin D and helps to support the healthy bones, the healthy skin, the strong teeth, and also some research have shown that vitamin D even has the influence on our mood and helps to improve our mood and emotional health. दोस्तों विटामिन डी का जो हमारा डेली डोज हमने रेकमेंड किया है उसमें विटामिन D3 की इतनी मात्रा है कि जो एक दिन में आपके शरीर को चाहिए आपके शरीर को जो आवश्यक है उतनी मात्रा हमारे ट्रायोटीन के डेली डोज में से आपको मिल जाती है. और विटामिन डी के बारे में एक और फायदा ये पढ़ा गया है कि वो मूड यानी कि आपका मानसिक संतुलन, आपका इमोशनल हेल्थ, मानसिक सेहत में भी ये को बरकरार अच्छा बरकरार रखने में काफी हेल्पफुल है. And so as we see all these powerful ingredients in triatine, they help to support our body's natural firewall. They help to support our immunity. And they also help our body to naturally produce the glutathione, a powerful antioxidant that helps us to protect the cells from free radicals, toxins, stress, and other negative factors. So, दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा था, ये सारे powerful ingredient triatine में मौजूद है, और ये हमारी जो बदन की नेचुरल फायरवॉल यानी कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है इसको और मजबूत बनाने में मदद करता है कि जिससे हम रेडिकल फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन तनाव और जो भी दूसरे नेगेटिव फैक्टर्स की हमने बात की थी उससे हमको सुरक्षित रखने में मदद करता है. Also, triotine has a very high quality 99% lactose-free formulation. I mentioned this before. It's possible because of the special infiltration technology. So even lactose intolerant people can take it without worries. दोस्तों हमारे triotine में को बिल्कुल lactose से मुक्त रखा गया है. जैसा हेलेन ने पहले भी कहा काफी लोगों को एक lactose intolerance नाम की चीज होती है. इसमें होता यह है कि कोई दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं उसे किसी किस्म की एलर्जी या वो हमारा शरीर टॉलरेट नहीं कर पाता. सबको नहीं होती है, कुछ लोगों को ये लैक्टोस इंटॉलरेंस का की तकलीफ होती है. सो उन पेशेंट्स को उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए हमारे ट्रायोटीन में हमने लैक्टोस को पूरी तरह से निकाल दिया गया है. And aside from helping our immunity, and aside from helping our body to produce this natural powerful antioxidant, it's also beneficial for multiple areas in our body, including teeth, bones, skeletal tissues, gut, liver, brain, and so on. Yeah, so antioxidant, glutathione, aur ye sab utpad karne ke alawa, triatine ka seedhe seedhe asar aapki dusri
अंगों पर भी है, जैसे कि बोन्स, हड्डियों के लिए, दांत के लिए, गट यानी कि पेट के लिए, लिवर के लिए, त्वचा के लिए और दिमाग के लिए भी। जो जैसे हमने देखे हर एक इंग्रेडिएंट का कुछ ना कुछ सपोर्ट है इन चीजों पर। सो ट्रायोटिन ये सारी चीजों के फंक्शन भी निभाता है। And it's really packed with multiple benefits. And aside from all this, it's also soy-free, hormone-free, antibiotic-free. So it's very, very safe for you guys to use. It's safe for children to use. It's safe for elderly people to use. So, दोस्तों, triotin में ये सारे ingredients मौजूद है, vitamin D मौजूद है, और जैसा मैंने पहले कहा, ये soy-free है, hormone-free है, और antibiotic-free है। माने कि soy, हार्मोन और एंटीबायोटिक ये चीजें हमारे प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये हर एक लोगों के लिए फिट है। मतलब ये इसका सेवन बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं। एंड एसाइड फ्रॉम दिस, इट्स टेस्टेड फॉर मोर देन 500 environmental toxin to assure the absolute safety for everyone. And it's developed by a medical doctor who also developed omega-3 essential fatty acids. Many of you already know him. It's Dr. Ben Bakler. Yes, dosto, triotin jo hai, wo 500 se bhi zyada environment toxin test se hokar guzra hai. Alag-alag kisam ki test is par ho rakhi hai. Ye sunishchit karne ke liye ki ye puri tarah se safe hai humare liye. जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो यही सारी चीजें होती है जो एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इस पर इतनी टेस्ट हुई है कि इस बात से हमारे जो कंज्यूमर्स है उस बात से सुनिश्चित रह सके कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसके साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हमारे अपने डॉक्टर बेंजामिन बेचलर कर रहे हैं। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने हमारे अवार्ड विनिंग ओमेगा 3 और स्टेमरेनो का उत्पादन जो कर रहे हैं। So, well, using triotin is very easy and it doesn't require any special skills. It tastes good. It dissolves in water very easily and very fast, and it's easy to use. You can just mix one scoop of triotin with some water or maybe juice or some others of your favorite beverages. दोस्तों हमारा triotin जो हमने बनाया है वो स्वादिष्ट भी है और बहुत ही आसानी से घुल जाता है पानी में या दूध में। सिर्फ एक चम्मच triotin यानी एक स्कूप जो साथ में आता है उसे आप 250 ml पानी के साथ मिला दीजिए या दूध में मिला दीजिए और आपका ट्रायोटीन पीने के लिए तैयार है। And you can take it up to 3 times per day according to your body needs or what you're after, according to your state of health and many other factors. But I would also like to mention that triotin, you can mix it with noni juice, for example, all together and make a nice shake that tastes great and just take 2 products at the same time, which is very easy and saves your time. जी हाँ दोस्तों, इसमें ट्रायोटीन एक अमाइनो एसिड है, एक प्रोटीन है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप इसे जिसे जो भी ड्रिंक है, जो भी लिक्विड है, उसके साथ आप मिक्स करके आपका पसंदीदा शेक बना सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग इसे नोनी जूस के साथ भी मिक्स करते हैं ताकि नोनी जूस की जो पदार्थ है और ट्रायोटीन है, ये दो मिक्स होकर भी एक अच्छा बढ़िया सा ड्रिंक बन जाए आपके लिए, हेल्दी ड्रिंक मेरा मतलब है। But what I like to mention is that please do not mix triotin with the blender and don't cook it, don't heat it and don't dissolve it in hot or boiling water because all this can destroy the active ingredients of triotin. So please no hot water, no boiling water, don't cook it, don't heat it and don't mix with blender. That is very important to understand. दोस्तों एक इसमें मैं आपको हिदायत ये दूंगी कि ट्रायोटीन पाउडर को कभी गर्म पानी के अंदर ना डालें, उसे आप उबाले नहीं या उसे गर्म ना करें या उसे पकाए नहीं ट्रायोटीन पाउडर को, क्योंकि इसके अंदर के जो भी हमने बढ़िया अमाइनो एसिड या इंग्रेडिएंट्स या एक्टिव कंपोनेंट्स की बात की, ये सारे नष्ट हो जाएंगे अगर आप इसे हीट करेंगे तो।
And so Triton is a very easy decision. It's a great decision. It's an easy decision for everybody who wants to protect themselves and their families. Triton एक बहुत ही अच्छा product है उन लोगों के लिए जिसे आपकी immunity को सुधारना है. ये Triton उनके लिए एक बहुत अच्छा decision है. And as I said, it helps to improve the immunity. It helps to protect ourselves against the free radicals, against stress, against toxins. And this is just a great product overall. दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति में मदद करता है, हमारी त्वचा के लिए मदद करता है, हमारे डाइजेशन या पाचन के लिए मदद करता है. सो अगर हम ओवरऑल पूरी तरह से अगर इसे देखें तो एक ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है डेली कंज्यूम करने के लिए और आपके जीवन में इसका रूटीन बनाने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है. Really, many people these days are looking for the ways, for the natural ways to improve their immunity because of what has been happening in the world recently, and many countries are still in the lockdown. दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भी बड़े सारे देशों में कोरोना का संक्रमण जारी है और वो लॉकडाउन से गुजर रहे हैं. And as we speak about protecting our bodies and improving our immunity, this brings us to another product that is making a big entry into the Indian market today, which is called Enhanced Essential Probiotics, or shortly EEP. So immunity, यानी कि प्रतिरोधक शक्ति की बात हम पिछले दो महीने से continues कर रहे हैं because संक्रमण इस तरह से फैल रहा है कि ऐसे में जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िया है वही आज सुरक्षित है. सो उसी बात से कंटिन्यू करते हुए मैं एक और प्रोडक्ट आपके सामने पेश कर रही हूँ जिसका नाम है एनहांस्ड एसेंशियल प्रोबायोटिक या जिसे हम शॉर्ट में ईईपी भी कहते हैं. आज ये प्रोडक्ट हम यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भारत में यहाँ पर अब मौजूद होने वाला है जल्दी. Well, we all know that our gut health, our intestinal health is very important. And why is this so? दोस्तों हम सब ये बात करते हैं कि हमारे पेट यानी पाचन की जो प्रक्रिया है इसे सही होने की बहुत आवश्यकता है. ये हम क्यों बात करते हैं? Well, it is important because over 99% of all nutrients are being absorbed inside of our gut. दोस्तों ये हम इसलिए कहते हैं कि हम जो भी खाते हैं उसमें से 85% प्राकृतिक जो इंग्रेडिएंट्स है उनका अब्सॉर्प्शन यानी कि उनका खिंचाव वो अपने गट यानी कि पेट में होता है, इंटेस्टाइन में, आंत में होता है. एंड ओवर 80% ऑफ ऑल द टॉक्सिंस आर बीइंग एलिमिनेटेड थ्रू आवर गट. इतना ही नहीं 80% टॉक्सिन्स यानी कि जो हमारे खाने में ऐसे पदार्थ है जिसे हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए या शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, 80% वैसे पदार्थ पेट से ही निकल जाते हैं. यानी कि हमारे गट हेल्थ के अच्छे होने से ये 80% टॉक्सिन तो वहीं के वहीं निकल जाएंगे. And what is even more important that around 70% of our immunity cells are inside of our gut. Yeah. और ये आप नहीं जानते होंगे कि 70% इम्यूनिटी सेल्स, इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करने वाले हमारे सेल्स, ये भी हमारे पेट में ही मौजूद है. And so our intestine doesn't just digest our food and eliminates the toxins, it also helps to create the immunity cells that in their turn help to protect our body against multiple factors that I already spoke about. Toxins, free radicals, viruses, bacteria, and so many more. So, दोस्तों जो हमारी जो आतड़ियां हैं या आंत है वो सिर्फ खाना पचाने के लिए या टॉक्सिन को फिल्टर आउट करने के लिए नहीं है. इसमें जो ये इम्यूनिटी सेल्स जो बन रहे हैं ये हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति और तंदुरुस्त करने में मदद करते हैं और ये हमारे बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करते हैं. And so our intestine is a very complicated and sophisticated system.
And it's very important to take care of the system. Probably many of us know that our gut is populated by different bacteria, both good and bad. And it's very, very important to keep a good balance in between these bacteria. So, दोस्तों हमारा जो हमारी जो आंत की सिस्टम है, इंटेस्टाइन की जो सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. आपने कभी डायग्राम वगैरह में देखा भी होगा. ये एक बहुत ही उत्कृष्ट सिस्टम है क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें काम करती है. इसी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी है, कुछ बुरे बैक्टीरिया भी है, और ये दोनों ही बैक्टीरिया का को बैलेंस रखने का काम हमारी अतड़िया करती है. And so the balance between those should be around 85 to 15. So in the normal state, there should be around 85 of good bacteria or probiotics inside our body and around 15% of so-called bad bacteria inside of our body. Yeah, दोस्तों, so एक संतुलन बनाने की अगर हम बात करें तो 85% अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए हमारे आंतों में, और 15% बैड तक अगर बैड बैक्टीरिया होते हैं तो ये एक नॉर्मल संतुलन माना जाएगा हमारे आंत के लिए. But unfortunately, because of various factors, and I already mentioned them before, stress, aging, bad habits, the count of bacteria, of good bacteria in our gut can decrease. And when this happens, bad bacteria can attack our body. And they start to grow out of control. There's too many of them. And when this all happens, we can experience different inconveniences such as bloating, constipation, rash, skin conditions, inflammation, and we just don't feel well. दोस्तों, so ये जो संतुलन या balance की हमने बात की, 85% good bacteria, 15% bad bacteria, ये संतुलन बहुत ही आसानी से बिगड़ जाता है. Because of many reasons, काफी reasons है इसमें, जैसे stress है, age है, और सबसे important हमारी जो खाने की आदतें हैं, जैसे हम कभी junk खा लेते हैं या कभी कुछ मैदे वाली चीजें ज्यादा खा लेते हैं या बाहर की चीजें, कभी कुछ खाने के पदार्थ हमारी आंत के लिए हैवी होते हैं या कई बार वो इन्फेक्टेड होते हैं फंगाई बैक्टीरिया से. सो ये किसी भी तरीके से हमारे आंतों की जो बैलेंस है गुड और बैड बैक्टीरिया को, इसे खराब कर देते हैं. और इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि ब्लोटिंग यानी कि हमारा पेट फूक जाता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि हमको कब्ज होने की समस्या आ जाती है, हमें वी फील स्लगिश यानी कि हमें काम करने में थकान या लेथार्जी हमारे में आ जाती है, और या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाती है और ये हमको पता नहीं चलता है. हमको तब पता चलता है जब हमारे स्किन के ऊपर कोई रैश हो गया है, रेडनेस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, और हम ये बात सोच नहीं पाते हैं कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने कोई हमारे आंतों का जो बैलेंस है ये बैलेंस चेंज हो गया है. Yeah, well, I don't understand what Chetan is saying, but I can catch some words such as sluggish, right, bloated, and so on. Really, like the wellness of our gut, it is very directly related to our overall wellness, because when we're constipated, when our gut is not feeling well, I would say when our gut is not feeling well, all our body is not doing well. Yeah, so, जैसे हमारे हिंदी एक किसी एडवर्टीजमेंट में हमने सुना था ना कि पेट सफा तो हर रोग दफा. सो हेलेन कुछ वही कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कि अगर हमारी गट हेल्थ यानी कि अगर हमारी पेट हमारी आंतों की सेहत बढ़िया है तो हमारे अधिकतर प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, दूसरी तकलीफें हमको नहीं आती है अगर हमारा पेट की सेहत बढ़िया है तो. And aside from all these factors that I mentioned before, such as stress and aging and bad habits, there's another factor, which is a big thing in Russia. And I've also heard that it also happens in India, and it's antibiotics. They are relatively easily available. Doctors prescribe them a lot. And also many people just buy them or get them in the pharmacies or not through the pharmacies. They just get them for self-medication. And these antibiotics, they're
they don't just kill bad bacteria in our body, they also kill all the other bacteria, and they massively decrease the count of good bacteria or probiotics inside of our intestine. बिल्कुल सही दोस्तों, जैसे हेलेन ने बिल्कुल सही चीज बताई जो मैंने आपको बोले कि अगर आपने कुछ खाया और आपको ये समस्या हो गई, कब्ज हो गया या आपको दस्त हो गया या जो भी कोई समस्या हुई, इसमें हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे किसी फार्मेसी यानी कि मेडिकल की दुकान में जाते हैं और वहां से बोलते हैं भाई मुझे ये हो रहा है दवाई दे दो। सो होता यह है कि हम नहीं समझते, लेकिन जाने अनजाने में हम सीधे सीधे एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं। और साइंस की कम्युनिटी में ये बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि भारत में लोग एंटीबायोटिक का मिसयूज कर रहे हैं, यानी कि समस्या हो ना हो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स लेने की से तकलीफ ये हो जाती है कि ये सिलेक्टिव नहीं है कि ये सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को मारता है, ये बुरे बैक्टीरिया के साथ में अच्छे बैक्टीरिया का की मात्रा भी कम कर देता है। सो इसमें हमारे जो नेचुरल संतुलन है हमारे आंत का, वो बिल्कुल भी खराब हो जाता है। आप में से कई लोग मेरे साथ में इस बात से भी अग्री करेंगे कि आपने ये एंटीबायोटिक बाहर से लाया होगा, आपने किसी एक चीजों के लिए एंटीबायोटिक यूज किया होगा। कई बार हम एंटीबायोटिक सर्दी खांसी के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि एंटीबायोटिक लेने से आपको दस्त हो जाता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि एंटीबायोटिक्स पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया है उसकी भी मात्रा कम कर देता है। Yes, Helen, I added a little bit more than what you said. I hope you don't. Thank you. And I appreciate that. And so, well, because of, it's also no secret that when doctors prescribe you antibiotics, they also give you probiotics, right? In order to protect your gut, in order to protect your health. And we actually need to introduce more of this good bacteria in our diets in order to help us to reach the ultimate wellness. Helen ये कह रही है कि कुछ डॉक्टर्स ये भी करते हैं कि जब ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आती, क्योंकि डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, हम मेडिकल से दवाइयां ले लेते हैं, हम इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। बट हेलन का कहना है कि कुछ अच्छे डॉक्टर्स जब वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही प्रोबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि हमारे जो बदन के, हमारे आंत के जो अच्छे बैक्टीरिया है वो बरकरार रहे। So actually, a lot of different foods, they contain probiotics, such as pickles, pickled vegetables, pickled cabbage, miso or natto beans from Japan, kimchi, which is very famous and massively eaten and consumed in Korea, also tempeh from Indonesia, and drinks such as kvass, which is very popular in Russia, or kombucha, which is getting more and more popular around the world. All of these foods, they do contain probiotics. But how many of these foods are available in India on a regular basis? Okay, so that's a long list of things, Helen. So Helen ने कुछ products, कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में यहाँ पर बात की जो देश विदेश में मौजूद है। So Helen ने कुछ ऐसे products के बारे में हमारे इंट्रोडक्शन दिया है जो मैं समझता हूँ कि आप में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो इनको जानते होंगे, ये प्रोडक्ट्स को, और इन्होंने आपने उस चीज को ट्राई किया होगा, आजमाया होगा या देखा भी होगा भारत मार्केट में। बट निश्चित रूप से ये फ्रीली अवेलेबल तो नहीं है, ये मैं जानता हूँ। सो जैसे कि जापान में एक खाद्य पदार्थ जिसे मिसो और नाटो बीन कहते हैं, कोरिया में एक खिमची नाम का खाने का पदार्थ है जो कि एक किस्म का आचार है, जैसे हम खाते हैं हमारे देश में, उस किस्म का एक खाने का पदार्थ है जो कोरिया में मौजूद है। फिर रशिया में एक क्वास करके चीज है और इंडोनेशिया में तेम्पे करके चीज है। इसके अलावा देश विदेश में कंबुजा करके भी एक चीज है। ये सारी चीजें अवेलेबल है। ये सारी चीजों में कॉमन बात यह है कि ये एक किस्म के प्रोबायोटिक फूड है, यानी कि प्रोबायोटिक्स जिसमें कि अच्छे बैक्टीरिया मौजूद है, ये वैसे प्रोडक्ट्स है। बट हेलन कहते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स में से इंडिया में कौन से मौजूद है ये उसे पता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक की प्रोबायोटिक हमको पता है, वह दही। दही के अलावा मुझे नहीं लगता है कि हम और कोई प्रोबायोटिक का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। यस हेलेन, गो अहेड प्लीज।
Well, we may all know that kimchi is a great source of probiotics, but well, maybe it's not available in India on an everyday basis. And even if it was available, how many people would be willing to eat kimchi every day? Because it tastes rather strange and many people are not used to eating such foods. And exactly, this is exactly the reason why so many people don't eat something which is good for them, because it tastes weird or doesn't taste good. दोस्तों किमची एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता के का प्रोबायोटिक है जो कि कोरिया से आता है. अब ये किमची भारत में मौजूद है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट अगर ये मौजूद हो भी तो अधिकतर लोग इसे नहीं खाएंगे. उसका रीजन ये है कि ये बहुत ही बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है. इसका स्वाद हम भारतीयों को या बहुत सारे दूसरे देशों में भी लोगों को पसंद नहीं है. तो जब इस जो वो चीज जिसका स्वाद हमें पसंद नहीं है उस चीज का सेवन हम क्यों करेंगे, वो भी डेली लाइफ में तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे. Well, you guys can tell me that what about yogurt, right? What about sour milk? There should be a lot of probiotics in that, which is true. But the problem is you need to drink a lot of yogurt to get the necessary amount of good bacteria. And it can be pricey. And also, not all the yogurts that you see at the stores, not all of them contain probiotics. Yeah. So, जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि आप कहेंगे कि दही तो बढ़िया प्रोबायोटिक है, ये हम लेंगे. बट समस्या ये है कि जिस किस्म का दूध है दही बनाने में इस्तेमाल हुआ है, इस बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है. सो दही में से अगर हमको प्रोबायोटिक लेना हो तो उसे इतनी मात्रा में लेना पड़ेगा कि जो शायद हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो. बिकॉज दही एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा इतनी नहीं है कि जितनी हम जो हमको पूरी हो सके. And also yogurts that you guys can buy at the stores or supermarkets almost never contain more than 3 or 4 strains of probiotics. And also the probiotics that are in this yogurt can be easily destroyed by heat, by moisture, by oxygen if you leave the bottle open, and so they're not very stable. And which is more important, the probiotics that you can find in yogurt, they can be easily destroyed inside of our belly by our gastric acid. Okay. So, दोस्तों दही में probiotics यानी कि अच्छी bacteria मौजूद होते हैं. But अगर हम इसमें थोड़ा और scientific जाए तो strain जैसे कि जब हम bacteria की बात करें तो बड़े सारे strain होते हैं. So क्या हमारे दही में ये सारे strain मौजूद है? The answer is no, कि सारे स्ट्रेन मौजूद नहीं है. इसके अलावा हेलेन ये कहती है कि दही या योगर्ट या सार मिल्क बहुत ही सेंसिटिव चीज है क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है. अगर उसे हम खुला छोड़ दें तो वो बिगड़ जाता है. अगर हम उसे हीट कर दें या गर्म करें या पका दें तो उसके अंदर के प्रोबायोटिक नष्ट हो जाते हैं. यहाँ तक कि अगर हम उसका सेवन हम कर लें तो हमारे आंत में जो मौजूद एसिड्स है वो भी उसके अंदर के प्रोबायोटिक्स को कई बार नष्ट कर देते हैं. And so another thing is that people that are lactose intolerant, they cannot drink big amounts of yogurt. I mean, they can drink yogurt, but they cannot drink huge amounts of it. And in order to get enough probiotics, you need to eat a lot of yogurt. And we probably already understand that we need these good probiotics every day. But how do we get them? Where do we get them from? So, दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है किसी को lactose intolerance या ऐसी चीजें हैं, या किस कुछ लोगों को तो सीधे yogurt या दही taste से पसंद नहीं आता, उल्टी होती है वगैरह वगैरह. So, ऐसे में वो इतना probiotic की मात्रा कैसे सेवन करेंगे, जो शरीर के लिए आवश्यक है वो मात्रा कैसे मिलेगी उनको. So, दही उतनी मात्रा में उनको लेना पड़ेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है या वो नष्ट हो जा रहा है वगैरह वगैरह. सो इतनी मात्रा प्रोबायोटिक हम कहाँ से लाएंगे? So if you don't want to drink huge amounts of yogurt every day or eat a lot of kimchi or eat a lot of pickled cabbage, we need to turn to good supplements. And just like with triotine, in order to protect our immunity and to improve our intestine health,
and wellness, we have developed a product, a powerful food supplement, which is called Enhanced Essential Probiotics. So, दोस्तों अगर इतनी मात्रा में नेचुरल प्रोबायोटिक दही वगैरह अगर आप नहीं खा सकते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सजेशन है, एक अच्छा उपाय यहाँ पर मौजूद है, इनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक्स जो हमारा कंपनी का फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर सभी किस्म के प्रोबायोटिक्स मौजूद है। अगर आप खिमची बाजार से ना ढूंढ सके, अगर दही आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सके या इतनी ज्यादा आपको पसंद नहीं है, तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है एनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक्स। And let's see, what is so special about this product and how is it different from the natural sources of probiotic? Well, first of all, the formulation of EEP contains 8 different types of probiotic, the good bacteria beneficial for our guts and our immunity and our body in general. So, दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा EEP यानी Enhanced Essential Probiotic दूसरे प्रोबायोटिक से कैसे बेहतर है। सबसे पहला इसका प्रमाण पत्र यह है कि इसके अंदर 8 किस्म के बैक्टीरिया के स्ट्रेन है, जो मैंने पहले नहीं कहा आपको कि मतलब किसी दही में या किसी और खिमची में 2 या 3 या 4 प्रकार के स्ट्रेन के बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन EEP यानी Enhanced Essential Probiotic में 8 किस्म के अच्छे बैक्टीरिया मौजूद है और ये हमारी आंत की स्थिति को बिल्कुल संतुलन रखने में मदद कर सकता है। Yes, go ahead, please. So these 8 unique strains of probiotics that are backed up by science and research, and among them is a very interesting strain called Lactobacillus plantarum. It's here, the yellow one on the left in the center. And it's a patented one. It has 2 different Korean patents that it got for, first of all, preventing the growth of Helicobacter pylori, and the second patent is for improving the immune function. Okay. So, dosto, ye sabse pehle main aapko ye bata dun ki ye EEP ek Korean ijaad hai, yani ki Korea mein is product ki ijaad hui hai. इसके अंदर जो एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, ये एक पैटेंटेड बैक्टीरिया है। ये हमारे आंत में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बनने से को रोकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से हमारे आंत में होने वाली सारी समस्याओं का रीजन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, सो इसको बनने में ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, और इसी के साथ में ये इम्यून फंक्शन पे भी इसका काफी अच्छा योगदान है, इम्यून फंक्शन बेहतर करने में मदद करता है। And every little stick of EEP contains 10 billion of this good bacteria of probiotics. 10 billion probiotics in just every little stick. Yeah, so अगर हम गिनती की बात करें तो एक स्टिक, यानी कि वैसे मैं आपको स्टिक के बारे में बता दूं, ये EEP जो है ना, ये एक सिंगल एक छोटा सा सैशे जैसा है जिसे हम स्टिक्स कहते हैं, बिकॉज वो एक स्टिक जैसा दिखता है, वो एक पाउडर फॉर्म में है, वो स्टिक के अंदर भरा हुआ है, आपने खोलना है और खा जाना है। सो वो एक स्टिक के अंदर लगभग 10 बिलियन को अभी हिंदी में तो मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, बट 100 करोड़ के ऊपर अच्छे बैक्टीरिया उस एक स्टिक के अंदर मौजूद है, अगर हम गिनती की बात करें तो। All right, so aside from these 8 types of beneficial good bacteria, what we also have in every little stick of this product is 4 different types of prebiotics. And let's talk about them in a little bit more detail. Yeah, so dosto ye jaisa humne formulation ki baat ki, probiotic ke alawa hamare enhanced essential probiotic jo hamara product hai uske andar prebiotic naam ki cheez bhi maujood hai, aur 4 prakar ke prebiotics iske andar maujood hai. Ab ye prebiotic kya hai iske bare mein Ellen ji abhi humko batayenge. Actually, what are these prebiotics and why does our body need them? Well, the very important thing is that in order to grow, probiotics need to eat something, just like us. And they very much enjoy eating prebiotics, which is
basically the food for them. Probiotics also love eating fiber, so it's very good to introduce fiber rich into your diet. So in order to help this good bacteria grow, we have added four different types of food for probiotics into every little stick of this product. And they are chicory root extract, fructooligosaccharide, galacto-oligosaccharide, and maltodextrin. Okay. So, जैसा हेलेन जी बता रही है कि प्रीबायोटिक क्या है, सो सबसे पहले ये समझे कि प्रोबायोटिक क्या है. हमने आपको ये कह दिया कि 100 करोड़ के ऊपर अच्छे बैक्टीरिया हमारे इस प्रोबायोटिक में मौजूद है. अब ये अच्छे बैक्टीरिया को अपना काम करने के लिए कुछ खाने की आवश्यकता है, जैसे हम सबको खाना है वैसे इन गुड बैक्टीरिया को अपना काम करने के लिए कुछ खाने की जरूरत है. सो वो अपना न्यूट्रिशन, वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भाई प्रीबायोटिक से प्राप्त करते हैं. सो इसीलिए हमारे फॉर्मुलेशन में हमने ये प्रीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया है. और ये जो प्रीबायोटिक हमने इस्तेमाल किया है उसमें से एक वो प्रीबायोटिक के अलावा एक फाइबर रिच करके हमारा प्रोडक्ट है, जिसे भारत में अगर आप इसबगुल कहें तो आप आपको आप कंपेयर कर सकते हैं. जैसा इसबगुल होता है उसी तरह से हमारा एक प्रोडक्ट है फाइबर रिच. अगर हम फाइबर रिच का सेवन करें तो वो भी प्रीबायोटिक की भूमिका निभा सकता है. बट इसके अलावा अगर आप वो नहीं भी ले खा रहे हैं इसबगुल, तो हमारे अपने फॉर्मुलेशन में हमने चार किस्म के प्रीबायोटिक्स डाले हैं, जिससे हमारे प्रोबायोटिक्स अपना काम अच्छे तरह से कर सके. तो ये चार प्रीबायोटिक जो हमने यूज किए हैं, वो एक है माल्टोडेक्सट्रिन. माल्टोडेक्सट्रिन एक किस्म का शुगर है, जो एक किस्म का ग्लूकोज है. चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट यानी एक किस्म का ये प्लांट प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है जो इसमें डाला गया है. गैलेक्टो ऑलिगोसेकेराइड एक किस्म का प्रोटीन है जो हमने डाला है, गैलेक्टो ऑलिगोसेकेराइड. और फ्रुक्टो ऑलिगोसेकेराइड जो कि कुछ फ्रूट्स में से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, उस किस्म का फ्रुक्टो ऑलिगोसेकेराइड है. ये चार चीजें प्रीबायोटिक्स है. ये चार प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को अपने काम करने में मदद करती है या हेल्प करती है वहां पर. Right, so the main thing I would like to, here I have this product right here in my hand, and the main thing is I'd like you to understand that aside from these eight types of powerful good bacteria, we also added some food for these bacteria into this product in order to them to flourish, to grow, and help us protect our intestine health. जैसे कि मैंने कहा कि ये आठ किस्म के प्रोबायोटिक्स और चार किस्म के प्रीबायोटिक्स और ये चार लेयर जो है इससे हमारी गट हेल्थ बढ़िया रहने में और इम्यूनिटी बिल्ड करने में हमको हेल्प हो जाती है. Also, a very important part is that this, in order to work, this good bacteria, they need to get through our stomach, which is full of gastric acid, and get into our gut in order to work. And in order to protect them, to protect these good probiotics from the heat, from the moisture, from the gastric acid, we have used a special technology which is called a quadruple, which means four, quadruple coating technology. Yeah, so dosto, agar aap dhyan se sun rahe to maine aapko kaha tha ki yogurt ya dahi hamare pet mein nasht ho jate hain, kyunki hamare pet ke jo acids hote hain wo use nasht kar dete hain. तो यही पेट के जो एसिड्स हैं हमारे, वो हमारे जो आप ईपी अगर कंज्यूम करते हैं उसे भी नष्ट कर सकते हैं, उसके अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को भी तो नष्ट कर सकते हैं. सो इससे बचने के लिए ये, जैसे मैंने कहा था कि कोरियन, ये कोरियन प्रोडक्ट है और बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से इससे बनाया गया है. तो इसमें एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये किया गया है, उसे कहते हैं क्वाड्रुपल नैनो टेक्नोलॉजी, क्वाड्रुपल कोटिंग टेक्नोलॉजी. इसमें क्या होता है कि जो भी अच्छे बैक्टीरिया है इसे एक नहीं, दो नहीं, चार कोट किए जाते हैं ऐसे पदार्थों से, ऐसे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट से कि हमारे पेट के एसिड्स या हमारे पेट की गर्मी उस अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट ना कर दे. And so we have covered this beneficial bacteria and prebiotics with these four robust layers of protection in order to increase their survival rate. And it's been also shown
it's been also shown that over 90% of probiotics survived after exposure to the acidic conditions for 5 hours. Well, acidic conditions means gastric acid in our stomach. So after 5 years, after 5 hours of exposure to acidic conditions, over 90% of these probiotics survived, compared to 30 to 50% of survival rate for probiotics that don't have this quadruple coating technology coverage. Yeah, so dosto, jaise ki aap market ke dusre probiotics bhi aapne try kiye honge, but ye jo humne baat ki especially, char layer ka coat अच्छे बैक्टीरिया के ऊपर, ये हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी दूसरे प्रोडक्ट से अलग कर देता है। कैसे? वो इस तरह की जो अगर काफी टेस्ट हुई है जिसमें ये देखा गया है कि हमारे पेट के जो एसिड्स होते हैं, जो गर्मी होती है, वो 50% तक खाए हुए प्रोबायोटिक्स को नष्ट कर देती है अगर वो कोटेड नहीं हो तो। अगर हम एक जो कि हमारा अगर कोई प्रोबायोटिक कोटेड है तो वो 90% सर्वाइव करता है, 10% खत्म हो जाता है। सो ऐसे में हमारे प्रोडक्ट में हमने क्वाड्रुपल यानी कि चार गुना बेहतरीन कोटिंग उस अच्छे बैक्टीरिया का किया गया है। इससे होता ये है कि प्रोडक्ट आप खा रहे हैं पैसा खर्च के, लेकिन ये आपके बदन में रह रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, अपना काम कर रहा है, ना कि हमारे शरीर से वो निकल जा रहा है या नष्ट हो जा रहा है। 90% तक हमारा प्रोडक्ट सरवाइव करता है 5 घंटे के बाद भी। And so this just means that this quadruple coating technology allows 90%, not 30, not 40, not 50, which is just a half. It allows 90% of this good bacteria to actually get into your gut and do their job. And their job is improving your intestine health and helping your gut to stay healthy. दोस्तों जैसे मैंने कहा कि हम ये हमारा ये formulation सुनिश्चित करता है कि हमारा कि probiotic 90% probiotic जो आप consume कर रहे हैं वो जिंदा रहे, वो active रहे आपके पेट में और अपना काम करता रहे। काम जो हमने पहले कहा immunity build करना, आंतों के अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखना, और भी जो भी हमने बेनिफिट्स कहे, ये सिर्फ तब मौजूद है अगर वो चीज आपके बदन में सही रूप से जिंदा रही तो। सो ये कोटिंग टेक्नोलॉजी और हमारा फॉर्मुलेशन वो सुनिश्चित करता है कि 90% प्रोबायोटिक आपके पेट तक पहुंचे। And so in every little single stick of this product, we have 10 billion of probiotics. Which is we have 10 billions of probiotics and they're produced according to the very high standards at the GMP certified manufacturing base. It's approved by the Korean FDA and also certified by KHSA, which is the Korea Health Supplement Association. And I think it proves the quality and safety of this product. So, दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि ये प्रोडक्ट कोरियन मेड है, कोरियन एफडीए ने इससे प्रमाणित किया है, सर्टिफाइड किया है, कोरियन हेल्थ सप्लीमेंट एसोसिएशन, जैसे हमारे यहाँ के एसोसिएशन होते हैं वैसे कोरियन हेल्थ सप्लीमेंट एसोसिएशन ने इसे प्रमाणित किया है। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे जीएमपी सर्टिफाई किया है। जीएमपी के बारे में हमने पहले भी कहा है आपसे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जिस फैसिलिटी में ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो उस कंपनी के बनाने के तरीके किसी भी तरह से सब स्टैंडर्ड यानी कि बेस्ट ही बेस्ट हो, कि जिससे जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी हम बिल्ड कर रहे हैं प्रोडक्ट में वो सबसे वर्ल्ड बेस्ट या बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकें। So this little stick, this powerful product helps us to maintain ultimate intestine health. It also helps us relieve the symptoms of diarrhea, constipation, and very importantly, it helps us to facilitate the absorption of nutrients so we can absorb the nutrients from food better and absorb very important nutrients from other NHT globals much better. We can also absorb the nutrients from other NHT global products much better.
So we can better absorb omega, we can better absorb noni, we can better absorb glucosamine, and so on. तो दोस्तों हेलेन यहाँ पर ये कह रही है कि ये सिर्फ एक स्टिक का सेवन करें आप आपके खाना खाने के बाद इससे क्या होगा कि अब्सॉर्प्शन यानी कि आप खाने के में शायद बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हैं शायद या बहुत अच्छे फूड सप्लीमेंट्स का सेवन भी कर रहे हैं बट वो व्यर्थ है अगर उसका अब्सॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन आपके आंत में से आपके पेट में से आपके शरीर की ओर सही से नहीं हो रहा है कई बार आप खाना खाएंगे बाहर जाके रेस्टोरेंट में या हैवी खाना खाएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज या दस्त की समस्या होगी ऐसे में आप ऐसे इस इन चीजों से दूर रहने के लिए खाना खाने के बाद एक स्टिक प्रोबायोटिक का सेवन करें और ये सारी चीजों से सेफ रहे इसके साथ हेलेन ये भी कह रही है कि आप चाहे शुगर खाएं चाहे प्रोटीन खाएं ये सारी चीजों का अब्सॉर्प्शन बेहतर तभी होगा जब आपका पेट का हेल्थ बढ़िया होगा And aside from this, it also helps to improve, helps to support our immune function, which is very important for our body. And it's also very, very low in sugar. And it's also suitable for people with lactose intolerance. And maybe last but not the least, it tastes great. And this formula will be also loved by elderly and children. दोस्तों इस EP की खास बात ये है कि ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट है हालांकि हम इसे स्वादिष्ट बोलकर नहीं हम बेचना चाहेंगे या कहना चाहेंगे बट ये बात सच है कि इस प्रोडक्ट के इतने फायदे तो है ही और साथ ही ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट का सेवन करने में ये स्वादिष्ट नहीं है या टेस्ट अच्छा नहीं करता ये इनफैक्ट बहुत टेस्ट करता है इसमें थोड़ा सा शुगर है थोड़ा सा लैक्टोज भी है लेकिन ये अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो भी वो इसे ले सकता है क्योंकि लैक्टोज की मात्रा बहुत कम है शुगर इसमें मौजूद है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है और सिर्फ एक स्टिक आपने कंज्यूम करनी है जिससे आप बड़े ले सकते हैं बूढ़े ले सकते हैं बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू चेतन एंड देयर आल्सो वेरी इजी टू यूज यू कैन टेक देम एनीवेयर एंड According to your needs, you can consume 1, 2, or 3 sticks per day. After a meal, you can also drink water when you consume them, but it's not necessary because they taste great. They taste like yogurt. Some people say they taste like cookies, and I'll demonstrate you guys right now how to use it. तो जैसे हेलेन कह रहे हैं कि ये जैसे आप उसका पैक देख रहे हैं बहुत ही इजी टू कैरी है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक दो सैशे या एक दो स्टिक आप आपकी बैग में रख दीजिए अगर जैसे ही आपका कोई आप हैवी मील लेते हैं तो इसके बाद इसका सेवन करना बहुत आसान है इसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं बट क्योंकि ये इतना स्वादिष्ट है कि आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है कुछ कहते हैं कि ये कुछ कुकीज यानी बिस्किट जैसा टेस्ट करता है कुछ कहते हैं ये एक हम जो मिल्क पाउडर खाते थे उसके जैसा टेस्ट करता है बट कहने का मतलब ये है कि ये काफी टेस्टी है और अभी हम देखेंगे हेलेन आपके सामने डेमोंस्ट्रेशन देंगी कि कैसे इसे इसका सेवन करना है गो अहेड हेलेन यस ऑलराइट डेमोंस्ट्रेशन सो यू टेक दिस वन लिटिल स्टिक ऑफ प्रोबायोटिक्स यू होल्ड इट लाइक दिस राइट यू टियर अपार्ट इट्स समटाइम्स इट्स हार्ड टू डू सो यू टियर दिस पार्ट अपार्ट और यू कैन यूज द सीजर्स And then you just put it in your mouth, like this. So, देखा दोस्तों कितना सरल है इसको कंज्यूम करना इसमें जैसा कि हेलेन ने पूरा डेमोंस्ट्रेशन दिया कि हम बोल रहे हैं कि ये स्वादिष्ट है पर क्या वाकई में ये स्वादिष्ट है ऑफ कोर्स आप तो जब आप इसे ऑर्डर प्लेस करेंगे जब ये प्रोडक्ट्स आपके पास आएगा आप ट्राई करेंगे ही बट यहाँ पे हेलेन बता रही है कि कितना सरल है इसको यूज करना तो सिर्फ अपने हाथ से आपने पैकेट खोलना है और आपने उसे कंज्यूम कर लेना है And the developer, the doctor who developed, the Korean doctor who developed this product also told us that we can also keep this probiotics inside our mouth for some time because before we swallow it, because this good bacteria can also help to protect our gums from the harmful bacteria. Okay. So, एक और यहाँ पर टिप हेलेन दे रही है क्योंकि हेलेन बहुत ही सक्रिय रहती है मैन्युफैक्चरर्स और हमारे साइंटिस्ट लोगों के साथ में सो वो कोरियन साइंटिस्ट जिन्होंने इसका इजाद किया है उन्होंने हमको ये भी सुझाव दिया है कि ये ट्रायोटीन का पाउडर अगर आप कुछ समय के लिए अपने मुंह के अंदर रहने दें जैसे कि
वेल आई मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे हम पान रखते हैं मुंह में उस तरह से अगर इसे रहने दे तो इसका बहुत ही अच्छा यूज है मसूड़ों के लिए. मसूड़ों आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को मसूड़ों की समस्या होती है बिकॉज वहां पर भी बैक्टीरिया अपना काम कर जाते हैं. सो इस प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए अपनी ओरल कैविटी यानी मुंह में अगर आप रहने दें तो ये मसूड़ों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेकारक हो सकता है. ये टिप हेलेन को जो इनके मैन्युफैक्चरर साइंटिस्ट है उन्होंने दी थी. And also I would like to say that during my last trip to India in November, I've been relying on essential probiotics a lot because we've been very warmly welcomed everywhere. We've been fed very well. We ate a lot every single day. And of course, there's a lot of good heavy food. And sometimes it's a bit spicy. Sometimes it's not very common. It's a bit unusual for the stomach. And in order to maintain the good state, right, and to stay well, I was using probiotics every single day, and I need to say that they actually helped me personally a lot. Okay. So Helen का बोलना ये है कि वो जब नवंबर में भारत में आई थी, तब उनकी खातिरदारी कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हुई थी. Especially उनको दिल्ली का खाना बहुत पसंद आया था, चाहे वो ज़ाफ़रान की बिरयानी हो या मुंबई के मनीष लंच होम की फिश करी हो, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर ट्राई की और इनको ये सारे स्वादिष्ट भोजन का उन्होंने पूरा पूरे चाव से मजा लिया है. बट ये बात सच है कि इतना स्वादिष्ट भोजन के बाद भी इन्होंने एनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक का सेवन नहीं छोड़ा और ईपी के कंजम्पशन की वजह से उनको कोई डाइजेशन का तकलीफ नहीं आया. हालांकि उनके लिए भारत नया है फिर और ये सारा खाना उनके लिए आमतौर पर उनको नहीं मिलता है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ईपी का सेवन किया और वो उनको पर्सनली उनको निजी तौर पर इसका बहुत ही ज्यादा अनुभव अच्छा रहा है डाइजेशन में. सो दिस वंडरफुल ग्रेट प्रोडक्ट्स विद ऑल दिस मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर आवर गट हेल्थ फॉर आवर इंटेस्टाइन फॉर आवर immunity, low in sugar, good for people with lactose intolerance. It's already in India. It's already available for you guys. And I'm really excited for you because so many people in India can benefit from it in so many different ways. Yeah, so ye bahut hi utkrusht aur badhiya product hai, Enhanced Essential Probiotic. Ye product Bharat mein abhi market mein bilkul maujood hai. आप इसके आगे बढ़ते हुए हम जो पैकेजेस हमने डिजाइन किए हैं उस बारे में भी बात करेंगे. पर फिलहाल जैसे ये प्रोडक्ट के बारे में बोला, इसके फायदे एक नहीं अनेक हैं. चाहे आपके आंत के स्वास्थ्य की बात करिए, चाहे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के संतुलन की बात करें, चाहे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बरकरार रखने की बात करें, चाहे अगर आपका शुगर लो हो गया है तब आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं. ये टेस्ट बहुत बढ़िया करता है, मसूड़ों में हेल्प हो सकती है, यानी अनेक फायदे हैं इस ईपी के और ये बढ़िया प्रोडक्ट अब भारत में मौजूद है. So everybody who ever used antibiotics and everybody who likes having a good meal, right, eating delicious food, I think everybody can benefit from this product in many different ways. And not only adults can eat it, as I said, the very nicely tasting formulation can also be consumed by elderly and by children. So dosto ab jo ki ye product Bharat mein available hai, main fir se keh do ki ye product bade boodhe bacche sab log sabhi iska sevan kar sakte hain. Ye badhiya product hai digestion ke liye, immunity ke liye, aur main manti hu ki aapka bhi experience is product ke sath badhiya hi hoga. I'm really excited for you guys because you have, aside from other wellness products, you have like these two amazing products. I'm holding them here, a triotine and EEP, that actually help to form a great foundation for building our immunity. So, dosto, jaise Helen ne bataya, ye do products hum lekar aaye hain sahi time par aur sahi jagah par Bharat mein, because triotine aur Enhanced Essential Probiotic, ये दोनों के विश्लेषण में एनालिसिस में हमने ये देखा है
कि ये दोनों ही प्रोडक्ट इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बांधने में बहुत ही ज्यादा सहकार्य है। और मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इम्यूनिटी बिल्ड करने की, रोग प्रतिरोधक शक्ति को और ताकतवर बनाने की जरूरत अब भारत में कितनी है, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाहर संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपने आप को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िया करें। और दो प्रोडक्ट्स ईपी और ट्रायोटीन जो कि अब भारत में अवेलेबल है हमारे पास में, हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड फील कर सकते हैं। They're super powerful, they're super safe, they're great for your immunity and some other areas in our body. And the very important thing is that all NHT products can be consumed together, can be taken together. And this is what the power of synergy is that they don't contradict with each other. No, they actually improve and enhance the effects of each other. So you guys can mix triotin with noni juice and take the probiotics and take omega-3 and do it all at the same time, and they never contradict. They just work better and better together. बिल्कुल सही। So Helen यहाँ पे ये कह रही कि ये दोनों products अपने आप में बहुत ही powerful है, बहुत ही safe है। यहाँ हम safety की भी बात करेंगे effectivity के साथ में। So, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि इनके फायदे अनेक हैं, लेकिन हमारे किसी प्रोडक्ट्स का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। माने ऐसा नहीं है कि अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे तो दूसरा प्रोडक्ट लेने से आपको तकलीफ होगी आपके शरीर को। आप बिल्कुल भी ये सारे प्रोडक्ट साथ में ले सकते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी एक दूसरे को तकलीफ तो नहीं ही देंगे ये प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट साथ में लेने से ये सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। सिनर्जिस्टिकली माने एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है तो दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक दूसरे को मदद करते हुए इन टोटल ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। सो इसका सेवन आप बिल्कुल भी एक साथ में कर सकते हैं। Yeah, and I encourage you to take all these products together. And I'm often asked by members if you can mix them together, if you can take them together, and the answer is yes. And our Chinese members, our Chinese leaders even say that in order to feel the benefits of the whole products, you need to take at least 10 products per day, and they're taking 10 products per day. So, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट्स ट्राई करें अपने लिए, ट्रायोटीन और ईपी दोनों। इसके साथ में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि जब वो ये पूछते हैं अपने रशियन या चाइनीज मेंबर्सों से, दोस्तों आप जानते हैं रशिया और चाइनीज मार्केट ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्केट है हमारी कंपनी के लिए, और यहाँ पर इतने बड़े लीडर्स और इतने सारे यूजर्स हैं कि जिसकी गिनती हम ना कर सके। सो ये जब उनसे बात करते हैं और ये उनको पूछते हैं कि क्या आप ये सारे प्रोडक्ट्स एक साथ सच में लेते हैं, तो उनका जवाब बिल्कुल भी हाँ होता है, स्पेशली चाइना मार्केट में। कुछ लोगों का इनफैक्ट कहना ये है कि अगर आपको पूरी तरह से अपने अपनी सेहत का ध्यान देना हो तो एनएचटी के 10 प्रोडक्ट्स भी अगर आप एक साथ ले, यानी अलग अलग 10 प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन मार्केट में अवेलेबल भी है 10 प्रोडक्ट्स, अगर आप 10 प्रोडक्ट्स भी साथ में ले तो आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, ऐसा उनका सोचना है। ये एक टेस्टिमनी है, बट कहने का मतलब इसमें ये है कि आप बड़े सारे प्रोडक्ट्स एक साथ भी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। Yeah, and we all know what has been happening recently and what's still happening now, the pandemic with many people getting ill and sick, and after this many people are looking for natural ways to protect themselves, to improve the immunity, to protect our body. And this is a very safe and natural way to protect our body. Yeah, so जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये pandemic यानी कि महामारी का जो situation चल रहा है, ऐसे में ये products कितने काम आ सकते हैं। हमने ये भी आपको बता दिया कि ये products का सेवन आप साथ में कर सकते हैं। So ये काफी बढ़िया product है और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि ये products आपका सेवन करें। And I would also like to quickly mention that some of our products are halal certified. And it may be not important for everybody, but it may be important for some people. And I know that a certain part of population in India, they are Muslim. And it may be maybe not the most part, but it is some part. And probably when you're expanding your business to other countries,
such as countries in the Middle East or Malaysia, Indonesia, the halal certification can be very important for you. So Helen yahan par bata rahe hain ki hamare products jo hai wo halal certification prapt hai. काफी हम में से काफी लोगों को हलाल सर्टिफिकेशन का शायद ज्यादा महत्व ना हो, लेकिन वो हमारे मुस्लिम भाइयों की बात कर रहे हैं जो कुछ जो हेल्थ जो प्रोडक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय है या सो मतलब बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है जिसे जो सो वैसे हमारे जो कंज्यूमर्स है उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेशन है। इसमें एडिशनल मेरे को आपको ये बताना है कि ये सर्टिफिकेशन का महत्व एनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक के लिए ज्यादा है बिकॉज उसमें अंडे दूध और मौजूद है बेसिकली, लेकिन हमारा ट्रायोटीन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दूध यानी कि मिल्क का पाउडर मौजूद है। हमारा ट्रायोटीन अगर इंडियन एफएसएसएआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वो एक ग्रीन डॉट प्रोडक्ट है यानी कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उसमें सिर्फ दूध मौजूद है, उसमें अंडे मौजूद नहीं है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है अगर आपको आगे बचने में मदद हो सकता है कि हमारा ट्रायोटीन एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। हाँ ईईपी क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया है इज डेफिनेटली रेड डॉट यानी कि नॉनवेज प्रोडक्ट है। इसके जो कोरियन खिमची प्रोडक्ट है उसे बनाने में अंडों का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। सो इन दैट सेंस ईईपी में हलाल सर्टिफिकेशन मौजूद है। And I'm sure that there are some very exciting product packages that are prepared for you. And I'm very happy for you guys because now you have an access to two more products by NHT Global that are great for your immunity and your overall health and wellness. And as I said, all products of NHT Global work great together. So I really hope all of you can benefit from them very, very soon. Yeah, so jaise maine kaha ki hamare product अनेक प्रोडक्ट्स का सेवन आप कर सकते हैं। मैं फिर से आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट ट्राई करें क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है और जी हाँ सो ये प्रोडक्ट सब भारत में अवेलेबल है तो आप इसका इस्तेमाल करें, यूज करें इसको और आपके लाइफ का हिस्सा बनाए इसे। So I really hope that if you're already a part of NHT Global, if you're already an NHT Global member, I thank you very much for your trust and for your support. And if you're not a member yet, I hope you can give our products a chance and make them a part of your daily life. Yeah. So agar aap already sadasya hai, member hai, to aap ye package lekar iska istemal kar sakte hain. Agar aap sadasya nahi hai abhi filhal koi members, to aap ye products se ko try kar sakte hain aur isi ke sath aap ek acche products aapki zindagi ka hissa bana sakte hain. Sath hi aap NHT family mein bhi jud sakte hain. And I would like to thank you very much for having me here today. Thank you and धन्यवाद। जी हाँ, ये मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। हेलेन जी आपको सबको धन्यवाद कह रही है उन्हें ये मौका देने के लिए कि वो आपके साथ इन द प्रोडक्ट्स के बारे में अपने जो ज्ञान है वो शेयर कर सके। एंड हेलेन फ्रॉम दी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंडियन मेंबर्स आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू। इट इज ओनली आवर प्लेजर दैट यू हैव गिवन अस सो मच टाइम एंड गिव अस सो मच नॉलेज अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स। इट मीन्स अ लॉट। Our members always feel much more confident when they get scientific and detailed knowledge of our product. It gives them more conviction to go out in market and share these products with their friend, family and relatives and also new prospects. Thank you so much guys for listening to me today and I really hope we can soon meet in person. Yeah, thank you so much Helen for the incredible presentation. I'll stop sharing my screen, okay? Yeah, sure. I'm sure this presentation has added a lot of value to our distributors. And also thank you Helen and Chetan for reminding us about the awesome biryani, which everyone, I'm sure our audience is missing during the lockdown. Okay, now I would like to invite once again Chetan for sharing some exciting offers to our audience. जैसे आपने देखा हेलेन ने बहुत ही बढ़िया हमको यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेलिंग करी है इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में जो के है एनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक और ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर। दोस्तों पर्सनल तौर पर मैं आपको ये क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा फार्मा और ये सब चीजों में रहा है और डॉक्टर्स के साथ में मैंने काफी काम किया है सो जो बातें मैं अभी सुन पा रहा हूँ मेरे कुछ पहचान वाले लोगों से वो ये है कि इस दौर में इम्यूनिटी बिल्ड करना
हमारे लिए अति आवश्यक है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बिल्ड करना। ये दोनों प्रोडक्ट को हमने पर्टिकुलरली इस लॉकडाउन पीरियड में लाने की पूरी कोशिश इसलिए भी करी है क्योंकि ये दो प्रोडक्ट इम्यूनिटी बिल्ड करने में इनका योगदान काफी ज्यादा है। इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि ये प्रोडक्ट्स हम आपके पास आपके सामने ले आए। ये प्रोडक्ट के पैकेजेस के बारे में अभी मैं आपको मैं आगे बात करूंगा और ये दो प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने बैक ऑफिस से, ये आपको बैक ऑफिस में विजिबल हो जाएंगे कल से। दोस्तों आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ सबसे पहला रूबी पैकेज। रूबी पैकेज ये एक स्पेशल प्रोमो नए पैकेज हमने डिजाइन किया गया है। इस पैकेज में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एज अ रूबी इसका प्राइस अभी भी सेम रखा गया है 14,900 प्लस GST। लेकिन इसकी खास बात यह है कि अब इसके अंदर प्रोबायोटिक प्रोडक्ट ऐड कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि रूबी के पैकेज में भी आपको प्रोडक्ट का काफी एक नया बुके मेनी प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं रूबी पैकेज में भी। अल्यूरा एक, अल्यूरा इंट्रो कार्ड एक, स्किंडलजेंस पैक एक, नोनी बोतल एक, एक ओमेगा 3 कैप्सूल का बॉटल, 2 ग्लूकोसामाइन कैप्सूल्स और 1 प्रोबायोटिक। आगे बढ़ते हुए दोस्तों एमराल्ड पैकेज अभी आपके सामने मौजूद है। इसका दाम वही है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 29,900 रुपए प्लस GST। इसमें सेविंग आपकी 8,000 की हो रही है बेस प्राइस से और 39% टोटल डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है। 2 एल्यूरा लक्स मौजूद, 1 एल्यूरा लक्स इंट्रो कार्ड, 3 स्किंडलजेंस के बॉक्स मौजूद, 1 मोनी जूस, 2 ओमेगा 3 कैप्सूल, 2 ग्लूकोसामाइन कैप्सूल, 1 ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर पैक और 15। दोस्तों ट्रायोटीन के बारे में क्विकली आपको बता दूं कि ये 2 SKU यानी 2 किस्म के पैक में अवेलेबल है। एक है 283 ग्राम का डब्बा यानी टब, जिसे हम टब कहते हैं, और उसके अलावा 193 ग्राम का टोटल पैक है जिसके अंदर आपको 15 सैशे मिलेंगे। ये 15 सैशे, 15 पैक, 15 पाउच जो भी आप कहें, इसका फायदा ये है कि आप ये साथ में कैरी कर सकते हैं। ये आपको ऐसे भी है कि आपका रूटीन मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा, जैसे कि अगर आपने एक सैशे खा लिया तो एक दिन का आपका एक दिन का डोसेज हो गया, उस तरह से इसका काफी फायदे है। ये आपको एक अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो पूरा टब या पूरा डब्बा आप शेयर न करना चाहे तो ये सैशे काफी काम आ सकते हैं। इस एमराल्ड पैकेज में एक ट्रायोटीन का पैक ऑफ 15 अवेलेबल है, एक ट्रायोटीन पैक ऑफ सॉरी नोनी पैक ऑफ 20 अवेलेबल है और 2 एनहेंस एसेंशियल प्रायोरिटी के डब्बे मौजूद है एमराल्ड पैकेज आपके सामने। दोस्तों आगे बढ़ते हुए गोल्ड पैकेज, गोल्ड पैकेज में जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3 एल्यूरा लक्स, 2 एल्यूरा लक्स इंट्रो कार्ड, 3 स्किंडलजेंस, 3 ओमेगा 3, 3 ग्लूकोसामाइन, 3 नोनी की बोतल, 2 नोनी की पैक ऑफ 20, लेकिन साथ ही अब इसमें ऐड कर दिया गया है 2 ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर के डब्बे, 2 ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर पैक ऑफ 15 के डब्बे और 3 एनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक के डब्बे। दोस्तों गोल्ड पैकेज में स्पेशली आपके लिए दाम वही 59,900, सेविंग हो रही है 7,687 बेस प्राइस से और टोटल डिस्काउंट 32%। आगे बढ़ते हुए दोस्तों पेश आपके सामने प्लैटिनम पैकेज। प्लैटिनम पैकेज भी अभी लेने में या बेचने में आपको आसानी हो सकती है बिकॉज इसमें बहुत अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स अब मौजूद है। 8 बॉटल अल्यूरा लक्स की, 5 इंट्रो कार्ड, 8 स्किंडलजेंस के बॉक्स, 8 ओमेगा 3, 8 ग्लूकोसामाइन, 8 नोनी, 6 नोनी के पैक ऑफ 20, साथ ही 4 ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर के डब्बे 283 ग्राम्स, 4 ट्रायोटीन प्रोटीन पाउडर पैक ऑफ 15 193 ग्राम्स के डब्बे, 8x यानी कि 8 एनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक के डब्बे। दाम वही है 1,48,900 प्लस GST, सेविंग हो रहा है इसमें 24,000 रुपए का और टोटल डिस्काउंट मिल रहा है इसमें 34%। इस चीज का आप लाभ लें, ये बहुत ही अच्छा मौका है सारे प्रोडक्ट्स आजमाने के लिए। इसमें से इम्यूनिटी बिल्ड करने वाले प्रोडक्ट्स को आप एक अलग तरीके का मार्किंग पा सकते हैं हमारे बैक ऑफिस में, जिसे हम इम्यूनिटी कैप कहते हैं। दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए जो 4 प्रोडक्ट है उनके नाम है नोनी जूस, एनहेंस एसेंशियल प्रोबायोटिक, ट्रायोटीन और कुछ कुछ मात्रा में ओमेगा 3 भी। दोस्तों वैसे आप
इन इंसेंटिव प्रोग्राम्स के बारे में भलीभांति से जानते हैं. हमने हमारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सक्सेस फोरम में भी इस बारे में इस चीजों का ऐलान किया था, अनाउंसमेंट किया था. लेकिन मैं ये मौका लेना चाहूंगा कि मैं फिर से एक बार आपको अभी जो एग्जिस्टिंग ऑफर्स यानी कि हाल में जो ऑफर्स चल रही है वो उसके ऊपर उसका आपको एक रिफ्रेशर सेशन यहाँ पर दे दूं. दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पैंडेमिक महामारी होने की वजह से हम एनएसटी ग्लोबल ने फैसला किया है कि सारी देश विदेश की यात्राएं रद्द की गई है, जिसके तहत पोर्चुगल की जो हमारी इंसेंटिव यात्रा थी वो रद्द कर दी गई है और साथ ही हमने सिंगापुर की जो इंसेंटिव यात्रा थी वो भी हमने रद्द कर दी है. लेकिन दोस्तों क्योंकि हम अब घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं और सिर्फ ये 2-3 महीने नहीं, आगे कुछ और महीनों के लिए भी साल शायद 2 सालों तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करने का की जरूरत शायद हो सकती है. इसको मद्देनजर रखते हुए हम जो अभी जो नया इंसेंटिव प्रोग्राम लाए हैं इसमें हमने उन चीजों का ध्यान रखा है कि आप घर बैठे आपको किस चीजों आप बिजनेस कैसे कंटिन्यू कर सके, वो क्या चीजें हैं जिसे अगर हम आपको अवेलेबल कराएं तो आप एक आपका व्यवसाय बेहतर तरीके से संचालित कर सके. सो दोस्तों आपके सामने मैं फिर से पेश कर रहा हूँ नया फ्रेश न्यूली रिवाइज्ड इंसेंटिव रिवॉर्ड्स जिसमें हम दे रहे हैं एप्पल आईपैड प्रो 11 इंच. आईपैड एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आपके वेल मुझे एप्पल के प्रोडक्ट्स की तारीफ करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं. लेकिन आईपैड जो है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है लोगों को बिजनेस संचालित करने में, चाहे प्रेजेंटेशन हो या चाहे मेलिंग हो या चाहे कुछ क्रिएटिव काम हो, एप्पल आईपैड प्रो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. 3500 बीवी कलेक्ट करने पर 8 महीने के भीतर फरवरी से सितंबर के बीच में आप जीत सकते हैं एप्पल आईपैड प्रो 11. दोस्तों एक इसमें चीज आपने ध्यान से देख सकते हैं और किसी भी मार्केट में मौजूद नहीं है, हर एक मार्केट में 3500 पीजीवी करने की डिमांड्स है लेकिन हम यहाँ पर 3500 बीवी आपको पीवी यानी कि पर्सनल वॉल्यूम और पीजीवी ये दोनों ही क्राइटेरिया में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं टोटल बीवीज. उसके अलावा लेवल 2 यानी उससे सेकंड लेवल पे है 6000 बीवी, चाहे पीवी हो या चाहे पीजीवी यानी कि पर्सनली ग्रुप वॉल्यूम हो, 8 महीने के भीतर अगर आप जमा कर लेते हैं 6000 बीवी तो आपको सिर्फ एप्पल आईपैड प्रो 11 ही नहीं उसके साथ में आपको मिलेगा एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड. दोस्तों मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि एक बार इंटरनेट पर जाकर आप ये चीजें देखें, आप खुद मंत्रमुग्ध रह जाएंगे, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है ये. इसके साथ में आपको मिलेगा एप्पल पेंसिल और एप्पल एयरपॉड प्रो यानी कि हेडसेट डिवाइसेस. ये सारी चीजें 6000 बीवी कलेक्ट करने पर, 6000 बीवी कलेक्ट करने पर फरवरी से सितंबर के भीतर. इसके अलावा हम हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे ट्रू बिजनेस बिल्डर्स यानी कि बिजनेस डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी ले आए हैं, एक अलग ही किस्म का इंसेंटिव रिवॉर्ड जो पहले हम नहीं देते थे लेकिन अब हमारे लिए अवेलेबल है. क्योंकि हम घर पे हैं, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन एक्टिविटीज या ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना कितना ज्यादा अनिवार्य है. ऐसे में आईआरपी लीडरशिप हासिल करने वाले लोगों के लिए ये स्पेशल इंसेंटिव हम जारी कर रहे हैं. अगर आप लेवल 1 या उससे ज्यादा की रैंक अचीव करते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में, आउट ऑफ 8 मंथ्स, 8 महीने में सिर्फ 3 महीने अगर आप रैंक 1 अचीव कर लेते हैं तो आपको $1000 की सब्सिडी मिल रही है. दोस्तों $1000 की सब्सिडी जिसके अंदर आप चाहे जो वो ऑनलाइन एक्टिविटीज कर सकते हैं. अगर आपने कोई एड रन करनी है आप वो कर सकते हैं, अगर आपने कोई वेब टूल खरीदना है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल खरीदना है, किसी इंटरनेट सेवाओं का सब्सक्रिप्शन करना है या कोई कैंपेन रन करनी है भारत देश के भीतर 2020 के साल में, तो उन लोगों के लिए $1000 की ये सब्सिडी है. नोट करिएगा दोस्तों कि ये सब्सिडी एनएचटी ग्लोबल के बिजनेस रिलेटेड एड या ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए है, ना कि आपके निजी चीज के लिए या किसी और चीज के लिए. लेवल 2 आईआरपी का आप लेवल 1 प्राप्त करिए, लेवल 1 या उससे ज्यादा प्राप्त भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम लेवल 1 फॉर 5 मंथ्स यानी कि 5 मंथ आउट ऑफ 8 मंथ्स, 8 महीने में से 5 महीने आप क्वालिफाई करिए मिनिमम रैंक 1. और दोस्तों साथ ही आपने 500 बीवी ऑफ पीजीवी यानी एटलीस्ट एक 500 बीवी का मेंबर आपने
एनरोल करना है और उनको प्रोडक्ट परचेस करना है 500 बीवी का. ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए. जो रैंक लेवल वन रैंक वन पाइए 5 महीनों में आउट ऑफ 8 मंथ्स उन्हें मिलेगा $1,500 $1,500 का इंटरनेट एक्टिविटी सब्सिडी, जिसमें जो मैंने आपको पहले कहा सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी आप करना चाहे भारत के भीतर आप कर सकते हैं. आपको $1,500 तक की मदद $1,500 तक की सब्सिडी एनएचटी ग्लोबल की तरफ से मिल जाएगी ऑनलाइन एक्टिविटी करने पर. यानी ये दोस्तों ये बहुत ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो अपना वेब पर अपना ऑनलाइन अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं. दोस्तों आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छी न्यूज बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए मैं ले आ रहा हूँ. भारत के मार्केट के मद्देनजर रखते हुए एनएचटी ग्लोबल हमेशा बहुत ही कंपैशनेट और सपोर्टिव रहा है इंडिया मार्केट की ओर. इसके तहत हमारी जो हमने जो रिक्वेस्ट करी थी कि कमीशन पे आउट की जो लिमिट है वीकली कमीशन पे आउट की लिमिट है इसे हम कम करते हुए $25 पर ले आए और ये दोस्तों अप्रूव हो गई है, ये मान्य हो गई है हमारे कॉर्पोरेट द्वारा और ये इम्प्लीमेंट भी हो गई है. मैं आपको बताते हुए बहुत ही आनंद ले रहा हूँ कि इस हफ्ते की जो कमीशन जनरेट हुए है वो ये नए थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से हुई है. माने कि अब आपको $50 जमा होने तक वेट करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आपका कमीशन $25 टच कर लेता है हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका कमीशन जनरेट कर देगा आने वाले हफ्ते में. आई होप कि आप सब तालियां बजा रहे हैं, हालांकि मैं सुन नहीं पा रहा हूं लेकिन इस बात पर तालियां बनती है एनएचटी ग्लोबल कॉर्पोरेट की ये जेनरोसिटी के लिए. दोस्तों इस बारे में मुझे सिर्फ एक चीज आपको बतानी है, अगर किसी ने अपना बैंकिंग इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं किया हो तो वो उसे मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ. हालांकि हमारे कस्टमर सपोर्ट विभाग ने इंडिविजुअली आप सबको मैसेज किया था कि आप आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन अकाउंट खाते की जानकारी सही तरह से एक्यूरेटली सिस्टम में डाल दें ताकि अगर आपको कमीशन मिलने में देरी ना हो. और ये भी बता दूं कि अगर किसी की बैंकिंग इंफॉर्मेशन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक कमीशन नेक्स्ट हफ्ते में कंटिन्यू हो जाता है, वो पे आउट में तब्दील नहीं होता है. दोस्तों अभी तक जितनी हमसे हो पा रहा है हम बेहतर से बेहतर ऑफर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो अगली स्लाइड मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ये स्लाइड देखने के बाद शायद आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. बट दोस्तों ये एक सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के लिए मेगा ऑफर आपके सामने हम जारी कर रहे हैं. ऑफर ये है दोस्तों कि भारत में पहली बार सिर्फ इंडियन मेंबर्स के लिए मेगा ऑफर डबल जनरेशन बोनस. आप हमारे कॉम्पेंसेशन प्लान से वाकिफ हैं जिसमें एक कंपोनेंट है जनरेशनल बोनस. यानी जब आप किसी एक मेंबर को लाकर उनके पास प्रोडक्ट का पैकेज सेल करते हैं या उनको आप एनएचटी के थ्रू आप उनको दिलवाते हैं एनरोल करने के बाद पर्सनली स्पॉन्सर करते हुए, तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ जनरेशनल बोनस जनरेट होता है. जो एग्जिस्टिंग जनरेशनल बोनस है इसे आप ये व्हाइट कॉलम में देख सकते हैं, लेकिन जो अगले 9 दिन तक आपको स्पेशल एक्स्ट्रा जनरेशनल बोनस मिलने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों. सो अगर कोई गोल्ड मेंबर को किसी पर्सनली स्पॉन्सर करने पर फर्स्ट जनरेशन से 10% जनरेशनल बोनस प्राप्त होता था तो वो अगले 9 दिन में 20% होगा. अगर किसी को सेकेंड जनरेशन पे 5 और थर्ड जनरेशन पे 3% जनरेट हो रहा था तो अब वो 10% और 6%. यानी सीधे सीधे डबल जनरेशनल बोनस की का ऐलान का अनाउंसमेंट आज हम करते हुए यहाँ पर बहुत ही खुश हैं. मैं सभी मेंबर भाइयों सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका पूरा लाभ लें. यह सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन 9 दिन के लिए है, 23 तारीख यानी आज से लेकर 31 मई तक के लिए मौजूद है. ये आपको अभी जब आप ऑर्डर डालेंगे उसके एक हफ्ते बाद हम सारे अकाउंट्स का एक्स्ट्रा बीवीज जो आपने कलेक्ट किए हैं वो आपके बैक ऑफिस में एंटर करेंगे नेक्स्ट वीक में, और उसके नेक्स्ट वीक में आपको इस चीज का कमीशन जनरेट होते हुए श्योरली दिखाई देगा आपके बैक ऑफिस में.
सो इस बढ़िया ऑफर का लाभ ले और इसे इस टाइम का आप पूरी तरह से लाभ ले, इसे वेस्ट ना जाने दे दोस्तों। सो आज हमारी पेशकश में यही था हमारे साइड से। आई होप आप सबने एंजॉय किया। आई होप ये इंफॉर्मेशन, ये सेशन सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं, प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं, ये आपके लिए कुछ खबर भी ले आया है। सो इसका लाभ है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। Thank you, Chetan, for sharing such wonderful offers with our audience. I'm sure these offers are going to create a great buzz in the business now. And once again, we thank you, Helen, for joining us today. And thank you, audience, for your time. We wish you a great success with NHT Global. Thank you.